कि देशवाल का फोन आया था. वो कह रहे हैं कि समा कल रात को बैचलर पार्टी में गया था और अब तक लौट के नहीं आया. वो ऋतिक का फोन ही नहीं लग रहा है. तुम मुझे विजय अंकल का नंबर दो ना प्लीज. देशवाल, ये राधिका कौन है? मेरी बात तो सुन. मत मारो. तुम्हारी शादी समर से नहीं होगी बेटा. विजय, शी इज नॉट अ चाइल्ड, शी कैन हैंडल इट. हुआ क्या है बताओ? समर ने किसी और से शादी कर ली. ऐसे कैसे किसी और से शादी कर ली? दिस इज स्टूपिड राइट. आप कुछ भी बोल रहे हैं भाई. पापा, गलतफहमी हुई हो सकती है. You know, this is not possible. ऋत्विक, तुमने बात की समर से? हमारे सामने हुआ ये सब मंदिर में, पापा और मेरी आंखों के सामने. ऋषभ, ये तू क्या कह रहा है? तूने सही से सुना बेटा? सच में दादी, शादी टूट गई है. अब बेटा, और रीवा, रीवा का क्या हाल? वो, शी इज नॉट ओके. पुत्र की हो गया, शादी क्यों टूट गई है? मम्मा, हमें ऐसे चलना चाहिए. है? वो नहीं नहीं पुत्र, पुत्र मैंने पेमेंट लेनी है. मैंने इतना सारी डेकोरेशन करी है, मेहनत की है, काम किए, कैसी बात है ना. मैं आपको दिख रहा है क्या चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स है, उसके बीच में आप पेमेंट की बातें करोगे क्या? अच्छा यार, ठीक है ठीक है, मैं बैग तो लेती आऊँ. हूँ आई, मैं बैग लेके आई. अनन्या, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ. मम्मा घर चले, अभी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड है. सब जा रहे, हम कल मॉर्निंग में आ जाएंगे. चलते हैं. नो बेटा, वी कैन नॉट गो. हम घर वाले ही तो हैं. अगर बाकी लोगों की तरह हम भी चले गए तो इन लोगों का. मॉम, हम फ्रेंड्स हैं, हम घर वाले नहीं हैं. वैसे भी इस वक्त उनको अपने फैमिली के साथ रहने दीजिए, हम कल सुबह आ जाएंगे ना. तुम इस परिवार की होने वाली बहू, अगर तुम में से उठ के चली जाओगे तो बहुत अजीब लगेगा अनन्या. मॉम, आर यू सीरियस? इस वक्त आपको मेरी शादी की परी है. वैसे भी इस टॉपिक पे इससे पहले हमने कभी बात नहीं की. जो शराब, मैंने बोला हम लोग रुक रहे हैं, मींस हम लोग रुक रहे हैं. और बाकी लोगों की तरह अगर हम भी चले जाएंगे तो बहुत अजीब लगेगा अनन्या. ऋत्विक का सोचो, वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? जिस लड़की से उसकी शादी की बात चल रही है, शी इज नॉट इवन बॉदर्ड. मॉम, इट्स नॉट अबाउट दैट, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हिम, अबाउट देम. मैं ऋत्विक को जितनी अच्छी तरीके से जानती हूँ ना, वो इस वक्त ना अपनी शादी के बारे में और ना मेरे बारे में सोच रहा है. वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है. और वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है. अभी चलिए आप. ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स स्टे हियर फॉर सम टाइम एंड देन वी गो. ओके,
For some time? Come on, Ananya. 5 minutes. ठीक है. मॉम, रीवा के पास गई थी पर ममता आंटी ने बोला कि मैं उसे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दूँ. तो क्या हो गया यार? पता नहीं यार, वो किस हाल में होगी अभी. मुझे तो बहुत अनईजी फील हो रहा है. मेरी दवाई कहाँ है? बेटा एक गिलास पानी लेके आना, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है. अनन्या मैं ले आती हूँ. मॉम डॉक्टर को कॉल करो. नहीं नहीं जरूरत नहीं है. अच्छा ठीक है, मैं सर दबा देती हूँ. आई यार इधर. इन्हें प्लीज यूकेलिप्टस ऑयल लगा दीजिए टेम्पल्स पे. शी विल फील बेटर. थैंक्स. आप यहीं काम करते हो बेटा? जी नून बायोटेक में. पलकू पुत्र, पलकू ले आई मैं बैग. चलो क्या कर रहा है? निकल जाए यहाँ से. मुझसे बात करने आयो ना तुम? बोलो. आई कांट बिलीव यू डिड समथिंग लाइक दिस समर. लाइक रियली, शादी करनी हमें बताया भी नहीं. लुक एट मी राइट नाउ. मैं तुम्हें सब बताया था. रियली तो फिर से अपनी बकवास मत शुरू करा. ऋतिक प्लीज मुझे बात करने दे. रीवा तुम्हें सब पता था ना? मैंने तुम्हें बार बार बोला मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं और से प्यार करता हूँ. फिर ये जबरदस्ती की शादी में मुझे नहीं फंसना है, लेकिन तुम सब इग्नोर कर रही थी. तुम्हें पता था कि मैं शादी से नहीं खुश हूँ. तुमने सब अनसुना कर दिया. अरे हम इससे बात ही क्यों कर रहे हैं? बात खत्म हो चुकी है. मैंने खुद उससे अपनी आंखों से देखा कि किसी और लड़की से शादी करते हुए. अंकल प्लीज, बस ये बात अभी तक खत्म नहीं हुई है. मुझे रीवा से सब क्लियर करना है. रीवा यार बस कर, सब जानते हुए भी अभी भी झूठ बोल रहे. तुमने मेरा फोन चुराया था ना, और राधिका को मैसेज किया था कि मुझसे दूर रहे. तुम्हें क्या लगा यार किस दुनिया में रहती हो? तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? प्लीज स्टॉप बीइंग सो ऑब्सेस्ड विद योरसेल्फ. इनफ समर. खुद गलती करता है, उसके बाद मेरी बहन पे ब्लेम डाल रहा है. Just tell him you didn't know anything. Who told her that? I had an idea, but I thought it was a spin. Shiva, please, झूठ मत बोलो. तुम्हें सब पता था. मैं तुम्हें कितनी बार बता रहा था मुझे ये शादी नहीं करनी है. घर वालों का प्रेशर था, लेकिन तुमने सब इग्नोर किया. मैं अपने आप से झूठ बोल रहा था, लेकिन सच तो यही है कि मैं हमेशा राधिका से प्यार करता था और करता हूँ. पर थैंक गॉड मेरी पलक से बात हुई. पलक ने मुझे बताया कि राधिका प्रेग्नेंट है. She was right. उसी ने मुझे बोला था कि मुझे अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना ही होगा. Eva, you know, I don't love you. क्या होता अगर हम शादी कर लेते और कुछ साल बाद अलग हो जाते सब? For what? यार तुम मुझे आज हेट कर रही हो, लेकिन कल थैंक्स करोगी कि मैंने ये शादी नहीं की है. राधिका अबॉर्शन करवाने गई थी और उससे उसकी जिंदगी को खतरा था. तो उसको कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता. रही I'm really sorry कि मैंने ऐसी जाके मैंने शादी कर ली, लेकिन मेरे पास ऑप्शन क्या था? रीवा अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते ना तो उनको साथ में कभी नहीं होना चाहिए.
पलक जानती थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? प्लीज अंडरस्टैंड फैक्ट्स स्टिल सच इसको पता हो या ना पता यू वांट मैन इनफ टू कम एंड टॉक टू अस बड़ी गलती की और ऊपर से आप ब्लेम इसके ऊपर डाल रहे हैं तुझे मालूम था रीवा तुझे मालूम था कि ये लड़का तुझसे प्यार नहीं करता तुझसे शादी नहीं करना चाहता तो तूने ये बात हम लोगों को क्यों नहीं बताई है बात यहां तक पहुंचनी क्यों थी तूने क्यों करना चाहती तू इसे शादी जी तुझे प्यार ही नहीं करता तो नहीं हाँ मुझे सब कुछ पता था व्हाट्स द बिग डील अबाउट दैट मुझे लगा शादी हो जाएगी भूल जाएगा उस लड़की को बट मुझे नहीं पता था इतना सीरियस है एंड व्हाट डू यू नो अबाउट सीरियसनेस हजारों लड़कियां घुमाता हूं कभी हमने आपसे पूछा कि व्हाई आर यू डूइंग दिस आज अगर आप मेरे सगे भाई होते ना ये कमी ना बोलते आप सोतेले हो इसलिए बोल रहे हो ये सब कीप दैट माउथ शट ऋत्विक मेरा बेटा है अगर तुम उसे सौतेला कहती हो तो तुम मेरी बेटी नहीं हो यू गेट दैट समर थैंक यू तुमने आकर हमें सच सच बताया तुम किसी और से प्यार करते थे तुमने उससे शादी कर ली इट्स डन इट्स ओवर प्लीज यहां वापस फिर मत आना प्लीज लीव ये तुम उससे कह सकती थी वो इंसान जो तुमसे शादी नहीं करना चाहता जो तुमसे प्यार नहीं करता था और फिर भी तुम उससे शादी करना चाहती थी और उसका गुस्सा तुम अपने भाई पर निकाल रही इट्स नॉट दैट ये तरीका नहीं तुम आप भी उनकी साइड ले रहे हो सब बात करें कि रीमा नूर की शादी कैंसिल हुई दिस इज सो बैड नो इट इज नॉट अच्छा हुआ कि झूठा रिश्ता नहीं निभाना पड़ेगा तुम अच्छा हुआ शादी टूट गई डू यू गेट दैट इन योर हेड Listen everyone. कोई चाहे कुछ भी बोले कोई हमारे साथ रहे ना रहे हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे जो भाई खड़ा ना तुम्हारा जिसे तुम सौतेला कह तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए यही सबसे पहले खड़ा होगा ड्यू कट को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी हमारी फैमिली में आज तक किसी ने ऐसा वर्ड यूज नहीं किया स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर सौतेला हाँ अब वो अपसेट है गुस्से में है सैड है बट स्टिल इट्स ओके ब्रो नहीं यार हम एक फैमिली हैं कोई सगा या सौतेला नहीं है भाई वो परेशान है इट्स ओके मैं ठीक हूं तेईस साल पहले जब विजय और ममता अपनी जिंदगी की शुरुआत किए तब ममता ने अपने 14 साल के ऋषभ को लेके हमारी जिंदगी में आए अब तुझसे क्या छुपाना
तुझे तो सब मालूम है, विजय के पास तो एक कमरे का घर था और वहां मैं और 10 साल का ऋत्विक रहते थे। इन दोनों की दूसरी शादी हुई और दोनों को एक एक बच्चे हैं। फिर उसके बाद रिवा, शिवम, शनाया और शनाया है। और ये बच्चों में कभी ये सगे सौतेलेपन का कोई एहसास ही नहीं था। मगर आज जब रीवा ने कहा कि मेरा भाई सौतेला है तो बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ। मैं समझ सकती हूँ कि तेनु कितनी तकलीफ हुई है, बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन तू चिंता ना कर, ये बच्चे हैं, आज लड़े हैं कल एक हो जाएंगे। भाई बहनों का प्यार कभी कम नहीं होगा। बस वही चाहती हूँ मैं, ये घर हमेशा आबाद रहे, खुश रहे। वैसे ही होगा। अब तुझे सोचना छोड़ दो और चल कर आराम कर, ये इसे दे दो। आजा। जानता हूँ यार, हर फैमिली में झगड़े होते, तेरे मेरे नहीं होते थे क्या बचपन में? गुस्सा चढ़ता था, जो सामने मिलता था उठा के फेंक देते, चेयर, डंबल, बैट, याद है? मेरी छीन पे खट लग गया था यार। तुझे याद है मोमेंट डैड की जब शादी हो रही थी, तू और मैं थे वहां पे, कितना जानते थे एक दूसरे को। फिर भी किसी इडियट ने ये बोल दिया कि आज से तुम दोनों सौतेले भाई। तुझे याद है दोनों भाइयों ने कितना मिलके कूटा था उसे? तू आज भी मेरा भाई है, तब भी मेरा भाई था। मेरी माँ का बेटा मैं कम हूं, तू ज्यादा है साले, सब जानते हैं। और वो जितनी सौतेली तेरी है उतनी मेरी है, हाफ सिस्टर, बट स्टिल जो उसने किया वो ठीक नहीं। छोड़ो ना भाई, बेचारी रीवा का दिल टूटा है। जब कोई अपना दिल तोड़ता है ना, फिर चाहे वो माँ हो, बॉयफ्रेंड हो या दोस्त, बहुत दर्द होता है, बहुत गुस्सा होता है। जब आप ना चाहते हुए भी किसी पे भरोसा करो और वो आपका भरोसा तोड़े ना, यू जस्ट लूज इट, लैश आउट, यू गेट सो एंग्री। इट्स ओके, सब कुछ ऊपर नीचे होता है। कौन है? ऋत्विक। आओ ना अंदर आओ, कम। तुम कुछ खाओगे, कॉफी पियोगे? यहाँ कॉफी पीने नहीं है। बैठो ना। You must be really proud of yourself. Wow, look at you. You know, अगर तुम्हारी ये डॉक्टरी की दुकान नहीं चलेगी तो मैं एक्टर तो बन ही सकती हूँ। ए क्लास एक्टर, नेचुरल। क्या बोल रहे हो तुम? तुम बड़ी ड्रामा पास कैसे हो सकती हो तुम? What is all this? क्या प्रिटेंड कर रही हो तुम? You drunk? तुम्हें समझ आ रहा तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक्टिंग कर रहे हो क्या? तुम्हें पता था ना समर के बारे में, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में? तुम्हारी मॉम के असिस्टेंट है ना वो? हम जो तुम्हारी मॉम नहीं भेजा होगा उसको, हम ये लड़का है फंसा लो। ऋत्विक, लिसन, मुझे जैसे ही पता लगा मैं तुम्हारे पास आई थी तुमसे बात करने के लिए, लेकिन मुझे समर ने रोक दिया। उसने बोला कि उसका पर्सनल मैटर है, मैं वो खुद बताना चाहता था सब कुछ। क्या समझ रखा तुमने मुझे? कब तक चले गए? फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि मुझे एक अच्छी दोस्त मिल गई। पहली बार किसी पे भरोसा किया था मैंने पलक,
तो तुम्हारा तो प्लान सॉर्टेड था, लड़की को प्रेग्नेंट कर दो। तुम्हारे खानदान में ही है क्या ये सब? Crossing the limits. और मुझे भी यही लगा था कि हम दोनों दोस्त हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है जिसकी वजह से तुम्हें रिश्ते बनाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। हमें भी बात नहीं करनी चाहिए। तुम अभी जाओ यहाँ से। और अगर तुम इतनी जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हो ना, देन यू आर वीक। माइंड योर लैंग्वेज। तुम मेरी दोस्त थी ना, मैंने तुम पे भरोसा किया था ना। तुम जानती थी कि मेरे सिस्टर के होने वाले हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। कब बताने वाली थी तुम मुझे ये? वो भी तुम्हारी मॉम की असिस्टेंट, वो प्रेग्नेंट। तुम्हें समर की फिक्र थी, तुम्हें उसकी फिक्र थी, मेरी सिस्टर का क्या? मेरे घर वालों को जो एम्बैरेसमेंट हुई उसका क्या? मेरी सिस्टर का दिल उसकी शादी वाले दिन टूटा उसका क्या? उसने मुझे आज एक सौतेला भाई कहा है उसका क्या? कब बताने वाली थी तुम मुझे ये सब? ये डोंग मत करो। You are exactly like your mother, Palak. That's all you can do. तुम एक घटिया औरत हो। दोस्त बोलती हो अपने आप को। तुम्हें ट्रस्ट करूं मैं? क्या सोच रही थी तुम? You're a liar. You're like every other woman. You are sick. मुझे नहीं जाना उस ऋतिक मून के ऑफिस में वापस।